कोविशील्ड के दो डोज के बीच गैप बढ़ाने की सिफारिश 12 से 18 हफ्ते तक करने की मांग। कोवैक्सीन के गैप में कई बदलाव की सिफारिश नहीं, पहले का प्रोटोकॉल ही रहेगा जारी। वैक्सीन पर सरकार के पैनल का सुझाव, गर्भवती महिलाएं कौन सी वैक्सीन लगवानी है ये फैसला ले सकती हैं। कोरोना से ठीक हुए लोगों को 6 महीने तक वैक्सीन की जरूरत नहीं, वैक्सीन पर सरकार की सलाहकार कमेटी की सिफारिश। 2 से 18 साल के आयु वर्ग को टीके की तैयारी तेज, DCGI ने दी ट्रायल की मंजूरी। वैक्सीन की ग्लोबल टेंडर पर केजरीवाल ने केंद्र को घेरा, कहा बेहतर होता राज्यों के बजाय केंद्र वैक्सीन खरीदता। दिल्ली में कोवैक्सीन सेंटर्स पर भीड़, दिल्ली सरकार ने कहा नहीं है कोवैक्सीन। मुंबई में पहले से वक्त लेकर ही वैक्सीन सेंटर्स में जा सकेंगे 18 प्लस के लोग, सरकार का फैसला। देश में वैक्सीन की कमी, महाराष्ट्र ने 18 प्लस का टीकाकरण रोका। कर्नाटक में भी 18 प्लस की रुकी वैक्सीनेशन, जयपुर में आज नो वैक्सीनेशन डे। बीस मई को देश के डीएम से वर्चुअल मीटिंग कर सकते प्रधानमंत्री मोदी, कोरोना से निपटने की रणनीति पर होगा काम। पीएम मोदी 10 राज्यों के 54 जिला अधिकारियों के साथ करेंगे चर्चा, बाद में दूसरे जिलों के डीएम के साथ भी होगी बैठक। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना संकट पर हाई लेवल मीटिंग की, ऑक्सीजन और दवा की सप्लाई पर हुई चर्चा। पीएम केयर्स फंड से 1.5 लाख ऑक्सीकेयर सिस्टम खरीदे जाएंगे, प्रधानमंत्री मोदी ने दी जानकारी। राहुल गांधी बोले महामारी में केंद्र सरकार की क्रूरता को हमारे देशवासी कब तक झेलेंगे। कोरोना के कहर के बीच विपक्ष ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखी चिट्ठी, देश भर में मुफ्त टीकाकरण की मांग। चिट्ठी में विपक्ष ने प्रधानमंत्री को दिए 9 सुझाव, बेरोजगारों को हर महीने 6000 रुपए देने की डिमांड। 6 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक, कोरोना के हालात पर चर्चा। कल भी हर्षवर्धन ने 8 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ की थी बैठक, केस कम करने के उपायों पर हुई थी चर्चा। दिल्ली के निजी अस्पतालों में कोरोना इलाज में भारी फीस पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार को अधिकतम फीस तय करने का निर्देश। अलीगढ़ के दौरे पर पहुंचे सीएम योगी, कोविड कमांड सेंटर का लिया जायजा। पहली बार सीएम योगी ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का किया दौरा, कोरोना से प्रोफेसर की मौत पर जताया दुख। एएमयू में कोरोना से 18 प्रोफेसर की मौत पर हड़कंप, अलीगढ़ में वीसी से योगी की मुलाकात, नए स्ट्रेन के शक पर जांच की मांग। अखिलेश यादव बोले पंचायत चुनाव की ड्यूटी में लगे जिन लोगों की कोरोना से मौत हुई उन्हें 1 करोड़ मुआवजा दिया जाए। संजय सिंह का सीएम योगी से सवाल, ग्रामीण कैसे कराएंगे टीकाकरण के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। देश में फिर बढ़े कोरोना के नए मामले, 24 घंटे में सामने आए 3,62,000 से ज्यादा बीमार। देश में थम नहीं रही कोरोना से मरने वालों की संख्या, 24 घंटे में महामारी से मौत की संख्या बढ़ी, 4,120 लोगों ने दम तोड़ा। देश में एक दिन में 3,52,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए, कुल एक्टिव मामले 37 लाख के पार। देश में अब तक 17,72,00,000 से ज्यादा लोगों को मिली वैक्सीन, कई राज्यों में वैक्सीन की कमी से थमी रफ्तार। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में सामने आए 13,287 नए मामले, 300 मरीजों की मौत। दिल्ली सरकार ने राजधानी में 582 मेट्रिक टन ऑक्सीजन की जताई जरूरत, सिसोदिया बोले बाकी दूसरे राज्यों को दी जाए। कंपनियों के साथ मिलकर इसके प्रोडक्शन को भी मैनिफोल्ड बढ़ाने के लिए कुछ कदम उठाएगी, और साथ साथ जो विदेशों में जिनकी वैक्सीन अप्रूव की है उसको भी करेगी, मुझे उम्मीद है कि केंद्र सरकार। यूपी में लोगों को राहत, वैक्सीन लगवाने के लिए अब आधार कार्ड की जरूरत नहीं।
लखनऊ के 3 बड़े अस्पतालों के खिलाफ FIR, मरीजों से अधिक बिल वसूलने का आरोप। कोरोना कर्फ्यू में लखनऊ की सड़कों पर सन्नाटा, घरों में जमे लोग। नवनीत कालरा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर कालाबाजारी का है मामला। दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश, दवाओं कॉन्सेंट्रेटर की कालाबाजारी करने वालों को अवमानना नोटिस जारी करे पुलिस। वाराणसी में गंगा के अलग अलग हिस्सों में मिले 4 शव, इलाके में हड़कंप। गाजीपुर में गंगा में शवों के प्रवाह पर रोक, पुलिस ने कराई मुनादी। तमिलनाडु में कोरोना ड्यूटी के दौरान मारे गए 43 हेल्थ केयर वर्कर्स के परिजनों को 25-25 लाख का मुआवजा। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस DY चंद्रचूड़ कोविड पॉजिटिव, उनके स्टाफ में कई लोग संक्रमित। मदद के लिए आ गया है अमेरिका में पढ़ रहे भारतीय छात्र, 2000 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भेजे। भोपाल में सन्नाटा पसरा, सड़कों पर आने वालों पर सख्ती। कोरोना काल में मदद के लिए आ गया है फिल्म स्टार विवेक ओबरॉय, जू पुलिस स्टेशन में बांटा खाना। जोधपुर के गांव में कोरोना से मौत से दहशत, बालरा गांव में महीने भर में 13 लोगों ने गंवाई अपनी जान। दूसरे देशों से मदद का सिलसिला जारी, मेडिकल सामानों के साथ जर्मनी, ग्रीस और फिनलैंड से आया विमान। 12 दिन में कोरोना से पति पत्नी और बहु बेटे की मौत, उछड़ गया हंसता खेलता परिवार। मदुरै में कोरोना से मौत का आंकड़ा बढ़ा, दफनाने के लिए कब्रिस्तान में जगह तक नहीं। ग्रेटर नोएडा में प्लाज्मा की कालाबाजारी, 2 आरोपी गिरफ्तार। उमरिया के गांव में पहुंचे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, कोरोना को लेकर लोगों को किया आगाह। गांव में बढ़े कोरोना के मामले, स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट किया। करनाल में हरियाणा रोडवेज की 5 मिनी बसों को एम्बुलेंस में तब्दील किया गया, लोगों ने ली राहत की सांस। महामारी में मदद के लिए आ गया एस्कॉन मंदिर, अगरतला में कोरोना मरीजों के घर पहुंचा रहा खाना। कोरोना कर्फ्यू बढ़ने की आशंका से शहर छोड़ रहे मजदूर, घर जाने का लगा ताता। तमिलनाडु के तिरुवल्ली में स्टेराइड रोल आउट फैक्ट्री में ऑक्सीजन का उत्पादन, 35 टन ऑक्सीजन का होगा उत्पादन। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 46,781 नए मामले, 816 ने जान गंवाई। यूपी में कोरोना से एक दिन में रिकॉर्ड मौत, 329 लोगों ने गंवाई अपनी जान। यूपी में कोरोना के नए केस में गिरावट, 24 घंटे में 18,125 नए मामले। केरल में कोरोना के नए मामलों में बढ़ोतरी, 24 घंटे में कोरोना मरीज 47,000 से ज्यादा पहुंचे। कर्नाटक में 24 घंटे में कोरोना के करीब 40,000 नए मामले, 517 लोगों की मौत। बिहार में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 9,863 नए केस, एक दिन में 74 लोगों की गई जान। राजस्थान में एक दिन में कोरोना के 16,384 नए मामले, 24 घंटे में 124 लोगों की जान गई। गुजरात में 24 घंटे में 11,000 से ज्यादा कोरोना के नए मामले, 102 लोगों की जान गई। पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लेकर बढ़ी सियासत, RJD ने बताया BJP का एजेंट। पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लेकर पत्नी रंजीत रंजन ने नीतीश सरकार को दी चेतावनी, कहा कोरोना पॉजिटिव हुए तो भुगतना होगा अंजाम। अहमदाबाद में 2 दिनों में ब्लैक फंगस के 86 नए मामले, 200 मरीजों का चल रहा इलाज।
पटना में भी मिले ब्लैक फंगस के दो मामले, एम्स पटना में चल रहा है एक इलाज। एसबीआईटी के छात्रों ने बनाया ईगल जैसा दिखने वाला पंछी, 70 किलोमीटर की रफ्तार से भर सकता है उड़ान। उत्तराखंड की केची धाम के पास बादल फटने से NH-87 पूरी तरह से बंद। कोरोना के साथ साथ अब गर्मी की मार, राजकोट में पारा 40 डिग्री पार। अलीगढ़ में 139 किलो गांजा बरामद, ट्रक में आम की पेटियों में रखा था। दिल्ली से सटे नोएडा में पुलिस ने 3 ड्रग तस्करों को दबोचा, 15 लाख का गांजा बरामद। कानपुर की 4 फैक्ट्रियों में लगी भीषण आग, केमिकल फैक्ट्री में फैली आग। बारातियों को ले जा रहा बेकाबू ट्रैक्टर यमुना नदी में गिरा, ड्राइवर बहा, 2 लोगों ने कूदकर बचाई जान। परेशान पत्नी ने शराबी पति को पेड़ से बांधा, काफी देर तक चलता रहा हाईवे किनारे हंगामा। अगस्त से पहले वैक्सीन की कमी को दूर होने के कोई आसार नहीं, सीरम और भारत बायोटेक अगस्त से हर महीने 18 करोड़ टीकों का करेगा उत्पादन। सरकार डीआरडीओ ओटी सिस्टम की 1.5 लाख यूनिट्स खरीदेगी, 322 करोड़ रुपए का करेगी भुगतान। भारत में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी के लिए WHO ने राजनीति और धार्मिक कार्यक्रमों को ठहराया जिम्मेदार, कहा सोशल डिस्टेंसिंग में इजाफा। कोरोना के बचाव के लिए सरकारी महकमों को निजी कंपनियां लगातार कर रही हैं मदद, कोरोना से बचने के लिए दे रही हैं एंटीवायरल किट। कोरोना से जान गंवाने वाले अपने कर्मचारियों की मदद के लिए आगे आई निजी कंपनियां, वेल्समन ने अगले 2 साल तक आश्रितों को आधी सैलरी देने का किया ऐलान। बीते साल में देश में पेट्रोल डीजल का बेस प्राइस महज 4 रुपए बढ़ा, जबकि पेट्रोल डीजल की रिटेल कीमत में आई 20 रुपए की तेजी। 14 मई को किसानों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के 19,000 करोड़ आएंगे, 9.5 करोड़ से ज्यादा किसानों को मिलेगा पैसा। 2021-22 के लिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की पहली बिक्री 17 मई से 21 मई तक होगी। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड मई से लेकर सितंबर के बीच 6 किस्तों में होंगे जारी। जनवरी मार्च तिमाही में FMCG सेक्टर ने दर्ज की 9.4% की रिकॉर्ड ग्रोथ, ग्रामीण बाजारों में जारी तेजी, शहरों में बिक्री में सुधार के आसार। ICICI म्यूचुअल फंड बना देश का दूसरा सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड हाउस, HDFC म्यूचुअल फंड को छोड़ा पीछे। गाजा में इजरायली हमले के बाद बिल्डिंग में धमाका, देखते देखते हुई धराशाही। गाजा में तीसरे दिन भी तनाव जारी, इजरायली हमले में अब तक 56 लोग गंवा चुके जान। गाजा से इजरायली शहर अशरोड पर रॉकेट से हमला, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। हमास से जंग का असर, तेल अवीव में यहूदियों ने अरब ड्राइवर पर बोला हमला। इजरायली हमले में गाजा में हमास के बड़े नेता की मौत, इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू बोले ये तो भी शुरुआत है। फिलिस्तीन से संघर्ष पर बाइडेन ने की नेतन्याहू से बात, जल्द शांति की जताई उम्मीद। यूएन चीफ ने वैक्सीन के उत्पादन को दोगुना करने की अपील की, कहा कोरोना के कहर को देखते हुए दुनिया भर में जल्द बांटने की जरूरत। 33,30,000 के पार पहुंचा दुनिया भर में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा, 16 करोड़ से ज्यादा की हुई मौत। अमेरिका में 3,35,00,000 के पार पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या, 5,96,000 से ज्यादा की जा चुकी जान। अब भी ओलंपिक्स होने की बंदी है आस, ISC ने कहा रद्द करने के बारे में नहीं सोच रहे हैं।